दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छा करेंगे अपने लाइफ में एंड पैरिपोना सबको। सो यार जैसे कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आज की जो वीडियो है वो होने वाली लाइफ इन कनाडा के बारे में। सो यार मैं बात करने वाला हूँ लाइफ इन कनाडा एज इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसके बहुत सारे पार्ट्स होने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ये वीडियो को जरूर देखना, आगे की वीडियोज आपको और अच्छे से पता चलेगा। सो यार मेरा नाम है प्रीतम मंडल एंड बेसिकली मैं हूँ इंडिया वेस्ट बंगाल से, बट मैंने जो अपनी स्कूलिंग है वो सब किया है मैंने न्यू दिल्ली से। एंड न्यू दिल्ली में मैं 7 to 8 ईयर्स में रहा हूँ मैं, एंड जो मेरी स्कूलिंग है वो मैंने की है आर्मी पब्लिक स्कूल हालाकोवा से। देन जो कनाडा आने का प्रोसेस था वो मेरा शुरू हुआ था 12th क्लास में। 12th क्लास के मिड में मैंने स्टार्ट किया था 2019 में। देन 2020 में मेरा रिजल्ट आया मई जून के महीने में। देन अगस्त में मेरी 18 तारीख की फ्लाइट थी एंड 19 तारीख को मैं यहाँ आ गया लंदन में। ये कनाडा का वन ऑफ द स्वीटेस्ट एंड बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली एक सिटी है। सो लंदन एक टोरंटो से 1.5 से 2 घंटा दूर है। सो लंदन जो है वो काफ़ी बजट फ्रेंडली एक सिटी है, जिनका बजट थोड़ा, जैसे हम स्टूडेंट्स हैं हमारा बजट थोड़ा टाइट रहता है, तो हम जैसे के लिए लंदन बहुत ही परफेक्ट एक सिटी है। सर लंदन में मैं हूँ फैंशर कॉलेज में। फैंशर कॉलेज एक वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस में आता है कनाडा के एंड गवर्नमेंट फंडेड है। देन फैंशर कॉलेज में मैं पढ़ रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में मैं कर रहा हूँ फूड एंड बेवरेज। 2 साल का कोर्स है, 1 साल हो गया है, थर्ड सेमेस्टर में मैं हूँ एंड नेक्स्ट 1 साल और रह गया मेरे कोर्स के लिए एंड देन मैं आ जाऊँगा अपने वर्क पॉइंट में। सो यार हर चीज़ का एक प्रोसेस है यहाँ पे, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद द प्रोसेस एंड आने वाली वीडियोस में वो हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में। सो क्या क्या मैं बताने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। सो उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा कॉलेज। सो गाइस दिस इज माय कैंपस और यू कैन से माय कॉलेज फैंशर। बहुत बड़ा कैंपस है, वहाँ से शुरू होता है एंड बहुत आगे तक जाता है। एज यू कैन सी अंदर से बहुत अमेजिंग है एंड दिस इज अ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज। सो दिस इज अ गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज एंड रिकमेंड किया जाता है कि अगर आप कनाडा में पढ़ाई कर रहे हो सो किसी आप गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज में ही पढ़ो, वहाँ तक जाता है, वहाँ से शुरू होता है वहाँ तक एंड इसके पीछे बहुत है। ये भाई मेरा कॉलेज है, ये वन ऑफ द कैंपस है फैंशर कॉलेज का। सो मैं दिखाऊंगा कैसा लगता है अंदर से। ये मैजिक दिखा रहा हूँ, महंगे कॉलेज का है, ये महंगे कॉलेज है हमारा, खुल गया अपने आप गेट। मैजिक। सो भाई दिस इज माय कैंपस। अगर आपको कैंपस टूर चाहिए तो मुझे बताना, दिखाऊंगा पूरा आपको कैंपस। सर कॉलेज आपने देख लिया होगा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ अपने काम के बारे में। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग एट सबवे एज अ सैंडविच आर्टिस्ट। लेकिन जब मैं आया था कनाडा मैं उस टाइम बोलर माउंटेन में काम कर रहा था। वो एक एडवेंचर पार्क है और काफ़ी अमेजिंग काम था वहाँ पे। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास क्लिप्स रखी हुई हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में। देन बोलर माउंटेन में काम करने के बाद कोरोना वायरस शुरू हो गया। कोरोना वायरस होने की वजह से वो काम मेरा छूट गया, बट उसके बाद मैंने सिक्योरिटी गार्ड की मुझे नौकरी मिली एज अ पार्ट टाइम, जो मैं करते हम सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो करते हैं, फिर एज अ पार्ट टाइम वो कर रहा था। देन उसके बाद मुझे यहाँ सबवे में जॉब मिली। मैं आपको दिखाता हूँ मेरी जॉब की लोकेशन।
उसका जॉब की लोकेशन आपने देखी होगी, वहाँ पर मैं काम करता हूँ एंड पिछले 4 से 5 महीनों से मैं वहाँ पर वहीं पर काम कर रहा हूँ एज अ पार्ट टाइम वर्कर। बहुत अमेजिंग है, मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से कैसे काम करता हूँ मैं एंड कैसे काम लोग करते हैं वहाँ पे एंड बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो तीसरा पार्ट है हमारे यहाँ पे वो है घर, जहाँ मैं कहाँ रहता हूँ। और मैं यहाँ पे अभी बहुत ही रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ एंड मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कहाँ मैं रहता हूँ। ये तो थी एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैंने आपको मेरे काम के बारे में बताया, मैं कहाँ रहता हूँ वो बताया, मेरे कॉलेज के बारे में बताया, मेरे प्रोग्राम के बारे में बताया। अब आने वाली जो वीडियोस हैं उसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे कमाते हैं यहाँ पे, हाउ मच दे अर्न, हाउ डू दे वर्क, हाउ कैन वी फाइंड वर्क हियर, देन आईएलटीएस का क्या प्रोसेस है, कनाडा आने का क्या प्रोसेस है एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बहुत लोगों को इंडिया में, मेरे दोस्त खुद के हैं जिनको पता नहीं है कि ये प्रोसेस क्या है, इंडिया से कनाडा कैसे आना है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, कितना पैसा लगता है इसमें, कितना एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारा यार मैं बताने वाला हूँ अपनी वीडियोस में। सो प्लीज गाइज डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो एस्पायरिंग है, जिसको कनाडा आना है या जो आने वाले हैं, उन सबके साथ ये वीडियो शेयर करो। मैं कुकिंग के साथ साथ ये भी आपको सारी अपनी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करने वाला हूँ कि जो मैं यहाँ 1 साल से हूँ कनाडा में, तो मेरे को क्या क्या यहाँ पे फेस करना पड़ा है जो आप लोग ना करो यहाँ आके। सो वो सब कुछ मैं आपको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। लाइफ इन कनाडा की ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैंने बस आपको इंट्रोडक्शन दिया हर चीज़ का, थोड़ा मैंने आपको कॉलेज का बताया, हर चीज़ का आपको मैंने दिखाया, थोड़ा बहुत जब मैं हूँ लंदन में वो दिखाया। बट द नेक्स्ट वीडियोज आने वाली है वो बहुत अमेजिंग होने वाली है, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे कैसे कोप करते हैं, वहाँ पे कैसे रहते हैं, हर चीज़ मैंने कवर करनी है, एवरीथिंग। और अगर आपको कुछ देखना है, आपको कुछ मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो जस्ट लेट मी नो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा एंड बहुत ही अमेजिंग चीज़ें आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइज़।